और अभी आपको बताएं कि जिला कोरंगी का खस्ता हाल पार्क मनुष्यात फरोशों का गढ़ बन गया। पार्क में गंदगी के ढेर और झाड़ियों के सबब इलाका मकीन तफरीही सहूलियात से भी महरूम हो गए। इंतजामिया की गफलत या अपने काम से गैर संजीदगी, कराची के पार्क्स भी जबूहाली का शिकार होने लगे। गंदगी के ढेर, झाड़ियां और मंशियात फरोशों की अमाजगा का मंजर दिखाता ये पार्क जिला कोरंगी में वाकई है, जो अब पार्क कम कचरा कुंडी से ज्यादा लगता है। पार्क में गंदगी और झाड़ियों के बाइस इलाका मकीन तफरीही सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि एक वक्त में ये खूबसूरत पार्क हुआ करता था, लेकिन अब पार्क में कचरा भरा हुआ है। सर बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, हमने तो अपना बचपन गुजार दिया सर। बहुत अच्छा पार्क था, यहाँ पूरे इलाके में एक ही पार्क था जो बिल्कुल अब ऐसा खस्ता हार हो गया। चर्सी मवाली आते हैं, पार्किंग एरिया बन गया, लेडीज यहाँ की कहाँ जाए। हमारे बच्चे, हमने यहाँ पर खेला पूरा अपना बचपन गुजारा, अब हमारे बच्चे कहाँ जाएं। ये इंतहाई बुरी हालत है इसकी, इसको पार्क ये पार्क कहलाने के लायक नहीं है जगह। इसको पार्क कौन कहेगा? अभी देखें ये झाड़ी है, इसके अलावा ना कोई लाइटिंग है इसमें, ना कोई हरियाली है, ना कोई सिक्योरिटी, कोई इसकी जो बाउंड्री वाल थी, बाउंड्री वाल तो गायब हो गई है। ये कोरंगी में सबसे बड़ा ये पार्क था, बहुत अच्छा खूबसूरत पार्क था। इसमें जो है झूले वूले बने हुए थे, झूले थे, सब कुछ था, अच्छा ग्राउंड था बिल्कुल। लोग आके बैठते थे, शाम के टाइम रोशनी भी होती थी, लाइटें भी होती थी, सब कुछ होता था। मगर आज इस पार्क का हाल देख रहे हैं कि अब क्या बुरा हाल कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से कई सालों से तवज्जो ना देने के सबब पार्क की बाउंड्री वॉल भी गिर चुकी है, जबकि रात होते ही ये पार्क मंशियात फरोशों का गढ़ भी बन जाता है। इस मौके पर अवाम ने हुकूमत सिंध से दरख्वास्त की है कि इस पार्क की खस्ता हाली को दूर करके इलाके में फौरी तफरी सहूलियात बहाल की जाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची।